दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग मॉड के ग्राफ के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2π से 2π। ठीक है, इसके बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, वो कुछ ऐसा आने वाला है -2π, ये होगा पाए, ये 0 और ये होगा 2π। ठीक है, ये हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ। इसी में अगर मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो हम बोलेंगे एक बार कट किया, दो बार कट किया, तीन बार कट किया, चार बार कट किया, पाँच, छ, सात, आठ। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है 8 सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका। दोनों का ग्राफ हमने बनाया, जितने बार कट किया उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि भाई मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ बनाओ पहले, कहाँ से कहाँ तक। तो ये भी एक्स बिलोंग्स टू -2π से 2π के बीच में देखना है बस। ये आ गया -2π, ये आ गया -π, ये आ गया 0π 2π। अब कॉस एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे ऐसे यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, कितने बार कट किया, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग बोलेंगे 4 सॉल्यूशन। ठीक है, 4 सॉल्यूशन आएंगे मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड 10x इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू फिर से -2π से 2π। इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा। क्या फंसते हैं मैं दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया, मॉड 10x का ग्राफ बनाया, 0π/2, π/3π/2, इधर हो गया 2π, ऐसे इधर -π/2, -π/-3π/2, -2π, इसके बीच में देखना है। तो हमने ग्राफ बनाया मॉड 10x और मॉड साइन एक्स दोनों का। जब मॉड 10x का ग्राफ बनाएंगे तो वो आएगा ठीक है, इधर से फिर ऐसा। ये आ गया हमारे पास मॉड 10x का ग्राफ। अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ मॉड साइन एक्स का। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ से तो साइन एक्स का स्टार्ट करते हैं, अब ग्राफ कट करके जाएगा ऊपर से या फिर नीचे से, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिगो 1 में पढ़ाया गया था हमें कि अगर सेम एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन बनाया जाए, वाई इज इक्वल टू मॉड 10x का ग्राफ बनाया जाए एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाए, तो ये होगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स जो हमेशा एक्स के नीचे रहेगा, और ये होगा वाई इज इक्वल टू 10x जो हमेशा एक्स के ऊपर होगा। इसका मतलब हुआ कि 10x के ग्राफ के नीचे जाएगा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है,
ये होने वाला है हमारा मॉड साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये कितने बार कट किया, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो अभी याद कर ले, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सेम एक्सिस पे बनाया जाए तो हमेशा टेन एक्स इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन साइन एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है हमें। तो यहाँ से हमें दिखा कि एक दो तीन चार पाँच, फाइव सॉल्यूशन आए हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स का मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई टेन। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है हमें, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, तो हमने क्या किया, मॉड कॉस एक्स का ही ग्राफ बना दिया पहले। मॉड कॉस एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो आएगा कुछ ऐसा। पाई बाय टू, टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फोर पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सिक्स पाई बाय टू, ये ग्राफ कुछ बाहर चले गया क्रॉस। ठीक है, हमने क्या किया, एक और नया ग्राफ बनाया कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई टेन। तो हमने कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसे ही चलते जा रहे हैं ना। ये है पाई बाई टू, ये है टू पाई बाई टू, ये है थ्री पाई बाई टू, ये है टू पाई, ये है फाइव पाई बाई टू, ये थ्री पाई, ये है सेवन पाई बाई टू, ये है फोर पाई, ऐसे ही चलते जा रहा है नंबर। और दिख रहा है कॉस एक्स का ग्राफ इधर भी सिमेट्रिक होगा, सेम टू सेम। ये हो जाएगा पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू। ठीक है, इस टाइप से बनेगा मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। अब हमें बनाना है किसका ग्राफ, हमें किसका सॉल्यूशन निकालना था, मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई टेन का। ठीक है, मॉड कॉस एक्स का तो ग्राफ बन गया बहुत ही आसानी से। मॉड एक्स बाई टेन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा मॉड एक्स के ग्राफ के जैसा, लेकिन जिसका स्लोप होगा वन टेंथ ऑफ द मॉड एक्स, क्योंकि इसका जो स्लोप होने वाला है, अगर सिर्फ एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करें हम लोग, तो ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टेन का। जो हमें दिख रहा है इधर जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इधर भी उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन का जो ग्राफ होगा, अब हमें ये नहीं पता है कि वो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा जो एक बार कट करके जाएगा, दो बार कट करके जाएगा, कितने बार कट करके जाएगा, कितना स्लोप होगा, हमें यह नहीं पता है। हमें बस स्लोप पता है वन टेंथ होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग मेजर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग करें क्या अब? अब हमें क्या है, देखो एक चीज़ तो पता है कि ये जो लाइन बनेगा ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कॉस एक्स के ग्राफ को काटना कब बंद कर देगा, जब इसका वैल्यू वाई का ग्रेटर देन वन हो जाएगा, देन नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब काटना बंद कर देगा। मतलब एक्स बाई टेन जब ग्रेटर देन वन हो जाए तो अपने आप वो ऊपर चले गया, अब वो काटेगा ही नहीं कभी ग्राफ को। क्यों? क्योंकि मॉड कॉस एक्स का ग्राफ तो एक दूसरे को रिपीट कर रहा है हमेशा, और ये ग्राफ ऊपर चले गया तो कभी भी अब उसके बाद इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो हम लोग बस देखते हैं कि एक्स बाई टेन इज इक्वल टू वन कब हो रहा है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू टेन। एक्स इज इक्वल टू टेन पे ये वाई वन होने वाला है। अब एक्स इज इक्वल टू टेन है किधर, तो ये पाई बाई टू, ये पाई, पाई होता है 3.14, ये 2 पाई होता है 6.28, 3 पाई जो होता है ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो और ये होगा 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 10 कहीं इधर बीच में आने वाला है x इज इक्वल टू 10। अब 10 पे आने वाला है कितना,
ये है 1, तो 10 पे आने वाला है 1, ठीक है, 10, 1। इसका मतलब ये ग्राफ 0 से तो पास करेगा ही, 10, 1 से भी पास करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो कितने बार कट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बार इधर कट किया। इसका मतलब 7 बार इधर भी कट करने वाला है। ठीक है, तो इधर जब बनाएंगे हम लोग ग्राफ तो इधर भी 7 बार कट करेगा बेसिकली, तो हम लोग बोलेंगे टोटल 14 सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, चलो।